नमस्कार दोस्तों, क्लास 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 इक्वेशंस इन वन वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 12.2। क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन नंबर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए या फिर आप सबसे पहले जो वीडियो है वो देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए। ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब मैंने बताया था क्रम से आने वाले एक के बाद एक नेचुरल नंबर्स। तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए नेचुरल नंबर्स। अब 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, अब जो 3 नंबर हैं उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसका 5 टाइम्स इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, वो 9 से ज़्यादा है, मोर देन है 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर का 4 टाइम लेने के बाद भी उसमें हम प्लस 9 करते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर का 5 टाइम्स मिल जाएगा। तो अब ये समझने के लिए देखिए हमें क्या करना है, पहले हम कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो लेट दी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स समझो एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ये 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं सपोज कर लिया। अब जो गिवन कंडीशन है, कंडीशन क्या दी गई है, देखिए 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर का 5 टाइम्स। अब एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, इन सभी में स्मॉलेस्ट होगा एक्स, तो एक्स का 5 टाइम्स मतलब 5x, 5 टाइम्स मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर 5x इज मतलब इक्वल टू लेना है, इज इक्वल टू 9 मोर, जब भी मोर होगा हमें प्लस करना है तो प्लस 9। अब प्लस 9 किससे ज़्यादा है, देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। अब जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 जो नंबर है उस नंबर का 4 टाइम्स, मतलब x प्लस 2 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 टाइम्स हमने नंबर ले लिया तो ग्रेटेस्ट नंबर का 4 टाइम्स उससे भी 9 से ज़्यादा प्लस 9 करने के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका 5 टाइम्स हमें मिल जाएगा। तो हमें ये जो इक्वेशन है वो सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने से पहले मतलब यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, 4 से मतलब प्लस 4 से दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, 5x लेफ्ट हैंड साइड में है इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x प्लस इंटू प्लस प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 9, तो 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 8 प्लस 9 17। 4x को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेना है या दोनों साइड में 4x को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 4x माइनस 4x कैंसिल इक्वल टू 17, तो 5x माइनस 4x 1x इज इक्वल टू 17, तो x की वैल्यू 17 हो गई, तो इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो 17 हो गया। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स आर, तीनों जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं उनमें सबसे पहले हमने जो लिए थे वो एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 लिए थे, तो एक्स की वैल्यू 17 हो गई, तो पहला नंबर 17 हुआ, तो 17 प्लस 1 18, सेकेंड नंबर 17 प्लस 2 19, तो 17 18 और 19 ये जो 3 नंबर्स हो गए वो कंसेक्यूटिव 3 नेचुरल नंबर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित
एट 8% प्रॉफिट। राजू ने अमित को एक साइकिल 8% प्रॉफिट में बेची। अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग ₹54। अमित ने उसे ₹54 खर्च करके स्पेंड करके रिपेयर कर दिया। देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल फॉर ₹1,134। फिर अमित ने निखिल को ₹1,134 को साइकिल बेच दी विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। नो लॉस नो प्रॉफिट मतलब अमित ने जितने पैसे राजू को दिए साइकिल खरीदने के लिए, जो स्पेंड किए रिपेयर करने के लिए, वो दोनों मिला के जितने खर्च हो गए थे अमित के, उतने ही पैसे उसे मिले। मतलब अमित ने ₹1,134 खर्चा किया और उतने में ही बेच दिया निखिल को। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेस्ड इट। तो राजू ने कितने रुपीस में साइकिल जो है वो परचेस की थी। अब राजू ने 8% प्रॉफिट ले लिया है, तो राजू ने जितने भी रुपीस को खरीदा होगा उसका 8% उसे मिल गया अमित से, क्योंकि उसने अमित को बेच दिया है। तो राजू ने कितने रुपीस में लिया था वो हमें नहीं पता। तो वो प्राइस राजू ने जो परचेस की हुई प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, उसे हम एक्स कंसिडर करेंगे। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर राजू, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल साइकिल की फॉर राजू बी रुपीज एक्स। इसका मतलब समझो राजू ने एक्स रुपीज को साइकिल जो है वो खरीद ली। अब राजू ने 8% प्रॉफिट ले लिया है, तो 8% प्रॉफिट ऑन रुपीज एक्स इज इक्वल टू 8% ऑफ एक्स। एक्स रुपीज का 8% राजू को मिल गया है, तो 8% प्रॉफिट हमें एक्स रुपीज का कितना होता है वो काउंट करना है। तो 8% को 8% का सिंबल हम अगर यहाँ से कैंसिल कर देते हैं तो परसेंट के बदले हमें डिनोमिनेटर में 100 लेना होता है, ऑफ को मल्टीप्लाई एक्स। तो दोनों को 4 से डिवाइड होगा, 4 × 8, 4 × 25 = 100। तो एक्स का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1, तो 2 × x, 2x / 25 × 1 = 25। तो 2x / 25 इतना प्रॉफिट राजू ने ले लिया। तो सेलिंग प्राइस फॉर राजू या फिर राजू सोल्ड बाइसिकल एट कितने रुपीज़ है, एक्स रुपीज प्लस 2x / 25 टू अमित। अमित को राजू ने x प्लस 2x / 25 इतने रुपीज़ को बाइसिकल जो है वो सोल्ड कर ली। तो ये जो कीमत हो गई राजू के लिए सेलिंग प्राइस हो गई और अमित के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई, क्योंकि अमित ने इस प्राइस को परचेस किया है। तो अब अमित की कॉस्ट प्राइस x प्लस 2x / 25, तो अमित परचेस्ड बाइसिकल एट, अब देखिए एक्स प्लस 2x / 25 हमें इनकी एडिशन करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडिशन करना होगा। 25 × x 25x प्लस 1 × 2x 2x / 25 × 1 = 25। तो 25x प्लस 2x ये होगा 27x डिवाइडेड बाय 25। तो 27x / 25 अमित ने इतने रुपीस को ले ली। अब अमित का टोटल जो खर्चा हो गया, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर अमित,
अमित के लिए जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगी वो 27x/25 प्लस उसने 54 रुपीज़ का खर्चा किया है। यहाँ पे है देखिए, अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग ₹54। तो अमित ने रिपेयर करके 54 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो 54 रुपीज़ इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो अमित ने इतने पैसे परचेस करने के लिए दे दिए और 54 रुपीज़ खर्चा कर दिया रिपेयरिंग के लिए। तो इतना कुल मिला के अमित को खर्चा हुआ। और अमित सोल्ड टू निखिल, अमित सोल्ड बाइसिकल टू निखिल, अमित ने निखिल को बाइसिकल सेल सोल्ड कर दी रुपीज़ टू निखिल फॉर रुपीज़ 1,134 रुपीज़। तो ये जो पैसे हैं वो 1,134 रुपीज़ को इक्वल हो जाएंगे। तो 27x/25 प्लस 54 इज इक्वल टू 1,134। तो अब हमें यहाँ पे यही इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा और x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो 54 का साइन प्लस है तो राइट हैंड साइड में हम लें तो माइनस होगा 27x/25, या फिर दोनों साइड को 55 सब्ट्रैक्ट करिए, फिर सॉरी 54, तो 54 यहाँ का कैंसिल होगा और राइट हैंड साइड में 54 माइनस होगा। तो यहाँ पे 27x/25 इज इक्वल टू 4-4, 0, 1 का एक हम यहाँ पे बारो तो 13-5, 8, यहाँ पे 0 रहेगा, 10 माइनस मतलब यहाँ पे 10 रहेगा, 0 रहेगा, फिर 1080। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड को 27 से डिवाइड, तो यहाँ का 27 कैंसिल होगा और राइट हैंड साइड में 27 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ का 25 कैंसिल होगा, 25 राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो देखिए कैसे आ जाएगी, 27 और 1080 को 9 से डिवाइड होता है तो 9 3 27, 9 1 9, 10-1, 18, 9 2 18, 9 0 0, 120 को फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 4 12, 3 0 0, 25 4 100 और 25 0 0, हालांकि 25 0 0, 25 4 100, तो ये एक्स की वैल्यू होगी 1000। तो जो प्राइस थी राजू ने परचेस की हुई वो है ₹1000। तो राजू परचेस द बाइसिकल फॉर ₹1000 को राजू ने बाइसिकल परचेस की थी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे अभी 2 क्वेश्चंस हैं जो हम आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।